नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग दृष्टि साइंस बुक के लेसन वन को कवर करेंगे। यह आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले साल 64वीं बीपीएससी में भी इस अध्याय से दो प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों साइंस को 30 दिन में ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप लगातार इससे जुड़े रहें। साथ ही जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो है वह भी काफ़ी जल्दी अपलोड होगा। आइए देखते हैं हमारा आज का लेशन। हमारा टॉपिक है भौतिक राशि एवं मापन। शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आइए देखते हैं। देखें फिजिक्स का क्या अर्थ है। तो फिजिक्स का जो अर्थ है वो प्राकृतिक जो है, फिजिक्स का अर्थ है, ये एक ग्रीक शब्द है फिजिक्स। अगला है देखें अदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए वह ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि किसे बोलेंगे, तो जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड जरूरी होता है उसको अदिश राशि बोलते हैं। देखिए द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार, ये सारे जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं। क्या क्या, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य। और देखते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि या वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की राशि को सदिश राशि बोलते हैं। जैसे देखिए वेग, तो किस वेग से और किस दिशा में, विस्थापन, बल, फोर्स, कितना फोर्स और किधर लग रहा है फोर्स, ये सारा जो है सदिश राशि है। देखिए मोस्टली जो अदिश सदिश में आप डिफरेंस कर सकते हैं, सदिश राशि जो भी होता है उसमें व या बो अधिकांश रहता है, कुछ कुछ इसका अपवाद भी है, तो जिसमें व या बो रहता है वो जनरली सदिश राशि ही होता है, आप चेक कर सकते हैं खुद से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए कि मूल राशि किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे अगर पूछ देगा तो, अगर आप नहीं जानते हैं तो परेशानी होगी। देखिए ऐसी भौतिक राशि या वह भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि। जैसे देखें दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सारी जो है किसी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसे मूल राशि कहते हैं। वह भौतिक राशि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र है उसे कहते हैं मूल राशि। अब देखें अगला है व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो देखिए वह भौतिक राशि जो मूल राशियों पर डिपेंड करती है, चाहे वो एक मूल राशि पर करे या एक से अधिक मूल राशि पर करे, तो ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे देखिए चाल, चाल जो है एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे, देखिए चाल जो है समय और दूरी पर निर्भर करती है। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल तभी मिलेगा जब इन दोनों का बारे में पता हो। तो हम समझ गए मूल राशि किसे कहते हैं, तो जो किसी पर निर्भर नहीं करती स्वतंत्र होती है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि ऐसी राशियां हैं जो कि मूल राशि पर निर्भर करती है। देखें पिछले बार बीपीएससी में इसी से एक प्रश्न पूछा गया था, इसी प्रकार से दाब का मात्रक था या ऐसा ही कुछ था, लेकिन पूछा गया था। देखें क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को देखिए लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को लेंथ L से भी करते हैं, तो L इंटू एल बराबर L स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला।
अगला देखते हैं, अगला देखिए आयतन, वॉल्यूम, ये क्या होता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, ये आयतन है, बेसिक बात है। तो देखिए इसका भी मात्रक एम, लंबाई का चौड़ाई का भी एम और ऊंचाई का भी एम, तो एम इंटू एम ये हो गया एम क्यूब, और इसका विमा सूत्र जो हो जाएगा एल क्यूब, डायमेंशन सूत्र। अगला देखिए घनत्व, डेंसिटी, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, हमें पता है। देखिए तो मास का क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का भी हम लोगों ने जस्ट निकाला, क्या होता है मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और इसका विमा सूत्र देखिए द्रव्यमान का होता है मास और मीटर का होता है लेंथ क्यूब, तो देखिए एल जो ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है। अगला देखते हैं वेग, मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है विस्थापन बटे समय। देखिए विस्थापन तो ये एक तरह से दूरी है, तो मीटर बाय समय का सेकेंड, तो इसको लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। अगला देखें आप क्या है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही तो त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन होता है मीटर पर सेकेंड और बाय ये सेकेंड इंटू सेकेंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका विमा सूत्र आप देखें एल बाय टी स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का आप हमें पता है केजी होता है और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो देखिए केजी इंटू एम मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार अगला देखें आप बल, फोर्स, फोर्स का क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का आपको पता है केजी और त्वरण का हम लोगों ने निकाला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ डालें केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है, इसका विमा सूत्र होता है ये, आप निकाल सकते हैं। अगला है कार्य, वर्क, देखिए कार्य W बराबर होता है F इंटू एस, F हो गया फोर्स और S हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो बल गुना विस्थापन, आपको पता है बल का होता है न्यूटन, यहाँ हम लोगों ने निकाला, देखें यहाँ पर न्यूटन निकाला है, तो बल का होता है न्यूटन और इंटू विस्थापन मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है शक्ति या सामर्थ्य, तो इसका होता है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है, अब ध्यान रखें जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग वाट। नेक्स्ट देखिए दाब, प्रेशर, यही पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में। दाब देखिए, तो देखिए फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है, ये बेसिक बात है। देखिए फोर्स का हमें पता है न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है एल इंटू बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, एल का मान क्या है एम इंटू बी का मान भी एम, तो ये देखिए दाब फोर्स प्रेशर बराबर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप ध्यान रखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10^-6 मीटर बराबर होता है एक माइक्रोमीटर के, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना 10^-6 मीटर। अगला है एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखें 10^-9 मीटर बराबर होता है एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर कितना 10^-9 मीटर। अगला देखते हैं
एक पीकोमीटर बराबर कितना होता है? तो देखिए 10^-12 मीटर को हम लोग एक पीकोमीटर बोलते हैं। एक पीकोमीटर बराबर कितना? 10^-12 मीटर, ध्यान रखें। अगला है एक फेमटोमीटर। एक फेमटोमीटर बराबर कितना? तो 10^-15 मीटर बराबर एक फेमटोमीटर, आपको याद हो गया। देखिए एक माइक्रोमीटर बराबर, इसे आप ढक लें तो 10^-6 मीटर। एक नैनो, 9 नैनो, ये काफ़ी आसान है। एक नैनो बराबर 10^-9 मीटर। एक पीकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर। और एक फेमटोमीटर बराबर 10^-15 मीटर, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस वर्ष एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया? तो 1960 ईस्वी में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित कर दिया गया, ध्यान रखें। अगला है एसआई पद्धति में कितने मात्रक हैं? तो ध्यान रखें एसआई पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। आपसे पूछ सकता है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखें 7 मूल मात्रक की संख्या 7 है। यह हमसे पूछ सकता है कि संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? तो संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। देखिए समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन। अगला है ठोस कोण, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखें सॉलिड एंगल का मात्रक जो होता है स्टे रेडियन होता है। क्या होता है? स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का मात्रक स्टे रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह भी पूछा जा चुका है, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? तो 1 फुट बराबर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर, ये पूछा गया है। आप ध्यान रखें 1 फुट बराबर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर। आगे देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो ध्यान रखें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर या 0.39 इंच। आपको पता है कि 12 इंच बराबर होता है 1 फुट, ध्यान रखें। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर या 0.39 इंच। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न पूछ रहा है कि अत्यंत छोटी दूरी मापने में का मात्रक क्या है? तो अत्यंत छोटी दूरी को मापने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। अत्यंत छोटी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंगस्ट्रॉम का। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखें 10^-10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10^-10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किस लिए होता है? तो अत्यंत छोटी दूरी मापने के लिए, ध्यान रखें। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आसान सवाल, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और देखें एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो आप जरूर ध्यान रखें, ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है। 9.46 × 10^15 मीटर इज इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष। कितना? 9.46 × 10^15 मीटर बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। अगला देखिए, खगोलीय दूरी को, मतलब जो काफी लंबी लंबी दूरी होती है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पारसेक का। लंबी दूरी को या खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पारसेक का। और देखें एक पारसेक का मान कितना होता है? तो ध्यान रखें एक पारसेक का मान जो है 3 × 10^16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। 3 × 10^16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक का मान। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बैरल का आयतन कितना होता है? तो एक बैरल में जो है 169 लीटर होता है।
एक बैरल का आयतन कितना होता है? 159 लीटर। ध्यान रखें आप, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मोल क्या होता है? तो देखिए, 6.023 × 10³ बराबर 1 मोल, इसे ही एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। अगला है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो देखें, ओजोन परत को डाब्सन से मापा जाता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के प्रवाह को किस में मापते हैं? तो आप ध्यान रखें, नदियों के प्रवाह को क्यूसेक, क्यूबिक पर मीटर में, क्यूसेक में मापा जाता है। नदी के प्रवाह या जल के प्रवाह को किस में मापा जाता है? तो जल के प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला देखें, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। अगला देखें, जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है, विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम्ब है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। आगे बढ़ते हैं, विभवांतर जो है, विभवांतर का मात्रक क्या है? तो आपको पता है, विभवांतर का मात्रक जो है ये वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। देखिए, आपको पता है ना कि वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और ये किसके बराबर होता है? तो जूल पर सेकंड के बराबर होता है वाट। जूल पर सेकंड बराबर वाट, और वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत केंद्र में जो बिजली का उत्पादन होता है, उत्पादित बिजली को, उसकी जो है मात्रा को मापने की इकाई क्या है? तो ध्यान रखें आप, विद्युत केंद्र में उत्पादित बिजली की मात्रा को मापने की इकाई जो है ये मेगावाट है। क्या है? मेगावाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो 10⁶ वाट के। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 मेगावाट बराबर कितना? 10⁶ वाट। नेक्स्ट देखते हैं, एक हॉर्स पावर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है, 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है? तो ध्यान रखें, 1 किलो वाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा का मान कितना? 3.6 मेगा जूल। अगला प्रश्न देखते हैं, अति तीव्र चाल मतलब काफी तेजी से जो चाल होती है उसको मापने की इकाई क्या है? तो मैक। या प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है, वायुयान की गति को किस में व्यक्त करते हैं? तो मैक में। ध्यान रखें, अति तीव्र चाल मापने के लिए हम लोग मैक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इससे दो प्रश्न बनता है। जब मैक, एक से अधिक मैक की चाल से कोई वस्तु चले तो उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। 1 मैक से अधिक चाल को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। और अगला प्रश्न है कि 5 मैक से अधिक चाल को क्या कहते हैं? तो 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक किसे बोलेंगे? जब चाल जो है 1 मैक से अधिक हो, ठीक है। और हाइपरसोनिक किसे बोलेंगे? तो जब चाल जो है 5 मैक से अधिक हो। ध्यान रखें, अगला देखते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कई दफा। सोनार का फुल फॉर्म देखिए, सोनार को लिखा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है, सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें आप, सोनार में जो है परास्रव तरंग का प्रयोग होता है। सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो परास्रव्य तरंग का प्रयोग जो है सोनार में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है, समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें आप, समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में सोनार का प्रयोग होता है। और सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? परास्रव्य तरंग का। और सोनार का फुल फॉर्म क्या था? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
अगला है रडार। देखिए रडार को हम लोग बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो रडार में जो है सूक्ष्म तरंग, माइक्रो। रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है रडार में। और सोनार में किस तरंग का प्रयोग हो रहा था? तो सोनार में जो है, ध्यान रखें आप, परा श्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए एक चंद्रमास बराबर कितना होता है? तो 4 सप्ताह या 28 दिन बराबर होता है एक चंद्रमास। अगला है ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियो मीटर का, ध्यान रखें। अगला है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑडोमीटर का। आप कंफ्यूज ना करें, ऑडियोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में, और ऑडो ऑडोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। अगला है ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। आगे बढ़ते हैं, अगला है पौधे की वृद्धि को मापने में किसका प्रयोग होता है? तो पौधे की वृद्धि मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर। पौधे की वृद्धि मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? लक्स मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व मापने में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोमीटर का। आप ध्यान रखें हाइड्रो और हाइग्रो में कन्फ्यूजन होता है, और पिछले साल ये पूछा गया था 64वीं BPSC में। तो ध्यान रखें सापेक्षिक घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हवा की आर्द्रता या आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें हवा की आर्द्रता मापने में हाइग्रो हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। सापेक्षिक घनत्व में हाइड्रो और हवा की आर्द्रता में हाइग्रो, ध्यान रखें। अगला है कि गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें मैनोमीटर का प्रयोग जो होता है गैस का दाब मापने में होता है प्रयोग, मैनोमीटर का। अगला देखते हैं वायु की गति मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि उच्च तापमान मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें उच्च तापमान मापने में पाइरोमीटर का प्रयोग होता है। उच्च तापमान मापने में किसका प्रयोग होता है? पाइरोमीटर का। अगला है समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें? तो फैदोमीटर में। समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? फैदोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट RPM मापने में का यंत्र क्या है? तो ध्यान रखें RPM मापने का यंत्र जो है ये है टैकोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RPM मापने का यंत्र क्या है? टैकोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है सौर विकिरण मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें आप सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन मापने में जो है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? पाइरहेलियोमीटर का। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो सौर विकिरण मापने में। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र जो है फोनोमीटर है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? फोनोमीटर। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न तापमान किस में मापा जाता है? तो देखिए निम्न तापमान जो भी होता है उसको अल्कोहल तापमापी से मापा जा सकता है।
निम्न तापमान को हम लोग एल्कोहल तापमापी से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, तरंग की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ध्यान रखें, तरंग की आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। तरंग की आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। दोस्तों ये था हमारा दृष्टि का लेसन वन। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको तत्काल ही याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप लेक्चर को दोबारा देखें और लगातार रिवाइज करते रहें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप कल अगला लेसन चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।